प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को जेवर में जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया उसे केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारें एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर पेश कर रही हैं। इस दावे की एक झलक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्वीट में देखी जा सकती है। वहीं हम केंद्र सरकार की ओर से किए गए दावों की बात करें तो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिलान्यास समारोह में कहा था कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के समारोह के द्वारा जहां भारत का नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। अब सवाल उठता है कि क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाकई एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो पहले जान लीजिए कि सरकार के अनुसार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के एक बयान में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट 4 फेज में पूरा होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम 2024 तक पूरा होना है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का आखिरी फेज 2040 से 2050 के बीच पूरा होगा। तो अब हम मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि आखिर किस आधार पर जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा है या नहीं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के एक बयान जिसमें क्षेत्रफल की बात कही गई है उसमें बताया गया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में 1334 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्लान किया गया है। यहां यह साफ नहीं किया गया कि आखिरी फेज तक यही क्षेत्रफल रहेगा या फिर उसमें विस्तार किया जाएगा। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों के हवाले से इस बात का जिक्र मिलता है कि भविष्य में पूरा प्रोजेक्ट 5000 हेक्टेयर में फैला होगा। यह तो हुई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बात। वहीं अब हम दूसरे एयरपोर्ट में सऊदी अरब के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इसे 12 दिसंबर 2011 को क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 780 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है। अगर हम यात्रियों की संख्या के हिसाब से देखें तो सिविल एविएशन सेक्रेटरी के मुताबिक पहले फेज में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को परिचालन करने की स्थिति में होगा, जबकि आखिरी फेज पूरा होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। वहीं हम दूसरे एयरपोर्ट को देखें तो अब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मुताबिक 2019 में बीजिंग के एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले और यहां उतरने वाले कुल यात्रियों की संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा थी। वहीं अगर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की बात करें तो ACI के मुताबिक 2019 में 8.6 करोड़ से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने दुबई की एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। वहीं भारत में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ACI के मुताबिक 2018 में इस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले और यहां उतरने वाले यात्रियों की संख्या 6.9 करोड़ से ज़्यादा थी। यह संख्या लगभग उस आंकड़े के बराबर ही है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसका आखिरी फेज पूरा होने के बाद हासिल होने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं जब हम तीसरे मानक कार्गो यानी माल ढुलाई के आंकड़े देखें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि इसके डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। हालांकि यहां इस कार्गो कैपेसिटी की किसी समय अवधि का जिक्र नहीं किया गया है। जबकि हम अन्य एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इसे लेकर सालाना आंकड़े जारी करती है। 22 अप्रैल 2021 को पब्लिश हुई इसकी वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक रैंकिंग रिपोर्ट के हिसाब से हांगकांग का एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा कार्गो लोड और अनलोड के मामले में दुनिया में 2019 में पहले पायदान पर रहा था, जबकि 2020 में दूसरे स्थान पर। इस एयरपोर्ट से 2019 में 48 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा कार्गो लोड और अनलोड हुआ। वहीं 2020 के लिए यह आंकड़ा 44 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा रहा। वहीं अगर जब हम एयरक्राफ्ट मूवमेंट को देखें तो हमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर सरकार की तरफ से जारी बयानों में इस पर कोई अभी स्पष्ट आंकड़ा नहीं मिलता। ऐसे में सीमित मौजूदा आंकड़ों और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरी क्षमता के साथ चालू होने में लंबा वक्त अभी बाकी है, मगर ऊपर दिए गए आंकड़ों से तस्वीर बहुत हद तक साफ है, जिस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया में नंबर 1 है या नहीं। ये खबर लिखी थी हमारे सहयोगी अक्षय प्रताप ने। इसे विस्तार से पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर पढ़े हमारी वेबसाइट upitak.in।